दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक थ्रिलर मुकाबले में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने वेस्टइंडीज 8 रनों से करारी शिकस्त देते हुए एक और सीरीज अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। वहीं जिस तरीके से इस मुकाबले में भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने हारे हुए मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ा है, उसको सुनने के बाद तो आपके दिल में भी उनके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। किस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी और भुवनेश्वर कुमार की दमदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से शानदार बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज खेले गए मुकाबले में कैरिबियाई कैप्टन किरण पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और उनके आमंत्रण को बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी की। दोस्तों टॉस हारकर बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन में भारतीय टीम को कुछ खास शुरुआत नहीं दिलाई और पारी के दूसरे ही ओवर में मेगा नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले ईशान किशन 10 गेंदों में महज 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब इसके बाद भारतीय पारी को संभालने के लिए टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर आए और प्रशंसकों को उनसे काफी उम्मीद थी कि वो इस मुकाबले में अपनी फॉर्म में वापसी करेंगे और उन्होंने ठीक ऐसा ही करते हुए आते ही चौकों की बरसात कर दी और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 6 ओवरों में टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 18 गेंदों में केवल 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 10 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम 3 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस गई। लेकिन इसके बाद संकट मोचक के तौर पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत ने विराट कोहली के साथ टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और चेस की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 52 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर ने पहले मुकाबले की अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए ऋषभ पंत के साथ कैरिबियाई गेंदबाजों की जमकर क्लास ली और इन दोनों ही बल्लेबाजों के दम पर भारतीय टीम ने 186 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया जिसमें ऋषभ पंत ने महज 28 गेंदें खेलकर 52 रनों की तूफानी पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ उन्होंने बखूबी साथ निभाते हुए अय्यर ने भी लाजवाब पारी खेली, उन्होंने भी अपनी पारी में 4 चौके और एक छक्का लगाया। दोस्तों इसके जवाब में बल्लेबाजी करने आए कैरिबियाई ओपनर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को भारतीय स्पिनरों ने पवेलियन की राह दिखाई। बता दें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कैरिबियाई ओपनर काइल मेयर को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई, तो वहीं इसके बाद रवि बिश्नोई ने भी वेस्ट इंडीज के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। हालांकि इसके बाद मेगा नीलामी में महंगे बिकने वाले बल्लेबाज नेकलेस पूरन और रोमन पावल ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए 100 रनों के ऊपर की साझेदारी की और एक वक्त ऐसा लगने लगा कि ये दोनों बल्लेबाज आसानी से टीम इंडिया से ये मैच छीन लेंगे। बता दें कि 17वें ओवर में रोमन पावल के कैच भुवनेश्वर कुमार ने अपनी ही गेंद पर छोड़ दिया, उसके बाद से तो भारतीय टीम की हार लगभग तय ही थी। लेकिन इसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए 19वें ओवर के लिए गेंद उनके हाथ में थमाई और वेस्टइंडीज को जीत के लिए महज 29 रनों की और जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर ने केवल 1 रन दिया। इसके बाद अगली गेंद उन्होंने स्लो डाली जिसको निकलेस पूरन नहीं पढ़ पाए और उसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने पूरन को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और अपने इस ओवर में उन्होंने महज 4 रन दिए और मैच का रुख भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया। लेकिन आखिरी ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी और हर्षल पटेल की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज रोमन पवल ने एक समय भारतीय प्रशंसकों की जान हलक में ला दी। लेकिन उन्होंने अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए केवल 1 रन दिया और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कैरिबियाई कैप्टन को रन बनाने नहीं दिया, पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 8 रनों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस मुकाबले को जीतते ही टीम इंडिया ने 3 मुकाबलों की इस T20 श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बेहद चतुराई वाली कप्तानी करते हुए मैदान पर ओस आने से पहले ही अपने स्पिनरों को ओवर निकाल लिया था, जिसके चलते अंत में तेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।